तैयार लेकिन फिलहाल सत्येंद्र ने हेड के निर्देश को आगे बढ़ाया, फिर अटैक हुआ था लेकिन नौ नंबर की जर्सी है नरेंद्र पासवान ने गेंद को अपने साथी खिलाड़ी सरकार तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की थी। फिलहाल यहां पर मोइन से कुछ गलतियां हुई और रेफरी ने उनको वार्निंग दी है। तो आप अपना खेल अच्छे तरीके से खेलें क्योंकि स्पोर्ट्स आपको तोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। तो फिलहाल आप एक बेहतरीन खिलाड़ी का परिचय दें और सबके दिलों में अपनी जगह बनाए। आसिफ के पास बॉल, कोशिश डबल किया, गेंद को निकाला, अपने लेफ्ट आउट तक बॉल पहुंचाई, चार नंबर की जगह बेहतरीन चेंज किया लेकिन वहां पर उनका कोई प्लेयर मौजूद नहीं। फिलहाल लखन पासवान ने गेंद को आगे बढ़ाई, ग्यारह नंबर की गश्ती में अपने साथी खिलाड़ी पर उपेंद्र तिवारी का एक बेहतरीन, लेकिन यहाँ पर कुछ गलतियां नजर आई और एक बार फिर किक करने के लिए तैयार बड़ा शाह का प्लेयर। फिलहाल उपेंद्र तिवारी के पास बॉल, गेंद को आगे बढ़ाया लेकिन वहां पर उनका कोई प्लेयर मौजूद नहीं और कोशिश ये रही किसी भी तरह से गेंद को बेहतरीन मूवमेंट के जरिए आगे बढ़ाया जाए छोटे छोटे पास के जरिए, लेकिन फिलहाल बैकफुट और अफ्तार गैप बनाने की कोशिश थी, अच्छा पास होता लेकिन वहां पर रामगढ़ का प्लेयर हेड के जरिए उपेंद्र तिवारी तक पहुंचाने में असफल है। और प्रतीक गुप्ता के पास बॉल, डबल किया, शहबाज तक पहुंचाया, शहबाज ने गेंद को रिसीव की, डबल किया, कवरिंग दी और आसिफ तक पहुंचाने की कोशिश की। आसिफ के पास बॉल, क्या खतरा हो सकता है या नहीं, गोल करने की पूरी कोशिश है लेकिन यहां पर मौका बना, गोलकीपर से थोड़ा सा मिस्टेक और एक बेहतरीन मौका बनाया यहां पर प्लेयर अंसारी ने, जीरो से गोल करना चाहते थे लेकिन वो भी काफी एक तारीफ बात होती है कि कोई भी खिलाड़ी जीरो एंगल से गोल कर लोग अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिलहाल उस हमले से चूंकि जो स्ट्राइक किया था उन्होंने वो स्ट्राइक उनका सही नहीं और दिशाहीन है। फिलहाल अपने आप को सेफ कर रही है रामगर, दूसरी कोशिश होगी लेकिन बेहतरीन लंबे करते खिलाड़ी शराब गेंद को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। ग्यारह नंबर की गश्ती में अपने साथी खिलाड़ी लखन पासवान तक पहुंचाने के प्रयास को लेकिन लखन पासवान से हबलते हुए और हमारे रेफरी महोदय ने येलो कार्ड से पनिश किया। अगर आप दोबारा गलती करते हैं तो आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। प्रतीक के पास बॉल, डबल करने की कोशिश, अपने साथ खिलाड़ी आसिफ तक पहुंचाया, आसिफ के पास बॉल, आउटलाइन की तरफ बॉल लेके गए लेकिन बॉल पे उनका कंट्रोल खोया और सीधा एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ दोनों टीमें अपने अपने पोजीशन पे खड़ी है और किस अंदाज में गोल करना है वो उसी पे विचार कर रहे हैं। फिलहाल लखन के पास बॉल, अपने साथी खिलाड़ी नरेंद्र पासवान को निकाला था लेकिन गेंद की रफ्तार कहीं पे गोलकीपर आने से गेंद को कलेक्ट किया और अपने साथी खिलाड़ी तक पहुंचाने की कोशिश लेकिन वहां पर बेहतरीन डिफेंस, छोटा सा पास करा, गेंद हवा में बोली लेकिन उपेंद्र ने गेंद को कलेक्ट करने की कोशिश की, फिर नरेंद्र के पास बॉल लेकिन बेहतरीन डिफेंस वहां पर रख सहा था पांच नंबर की जर्सी में। काजल ने गेंद को आगे बढ़ाया और फिर एक बार आते की मोड़ पर रख सहा, शहबाज गेंद के पीछे गई थे लेकिन बेहतरीन बचाव यहाँ पर सत्येंद्र तिवारी का और गेंद पहले गलत रहा। अभी भी शहबाज के पास बहुत बेहतरीन चेंज किया है लेकिन दिशाहीन कोई मतलब नहीं, गेंद सीधा आउटलाइन के बाहर, तो किक करने के लिए तैयार और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कल का मैच अपने निर्धारित समय पर होगा, आप समय से अपने कामों को खत्म करके आए और मैच का रुख उठाए। तो कल का मैच कुर्ला वर्सेज
हर पुर के बीच खेला जाएगा। एक ओपनिंग ओवर है यहाँ पर, लेकिन काफी अच्छा बचाव, लेकिन रेफरी की निगाहें तेज ऑफसाइड का इशारा दिखाती है। काफी अच्छे अच्छे प्लेयर भी हैं और काफी जोहर है उन दोनों टीमों में। तो कल का मैच कुर्रा वर्सेज हर पुर के बीच खेला जाएगा और आज का मुकाबला आपके सामने है। एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल रहा है। रामगढ़ की टीम जो लास्ट ईयर बिफोर यहाँ के फाइनलिस्ट हैं और इसका मुकाबला आज रक्सा से चल रहा है। प्रतीक के पास बहुत खतरा हो सकता है, गोलकीपर ने काफी आसानी से गेंद को अपने कब्जे में लिया, अपने साथी खिलाड़ी तक पहुंचा। गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अपने साथी खिलाड़ियों को ढूंढ रहे हैं, गैप ढूंढ रहे हैं किसी भी तरह से गेंद को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन खराब होती है और सहबाज ने एक बड़ी गलती की। उपेंद्र के पास बॉल, छोटे छोटे पास के जरिए एक मोमेंट बनाने की कोशिश, एक स्ट्रेटजी के तहत गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश, लेकिन अमित कुमार ने गेंद को अपने कब्जे में नहीं, आपके साथ खिलाड़ी आशीष तक पहुंचा। आशीष के पास बॉल, बहुत तेज तर्रार नजर आ रहे हैं आशीष, खतरा हो सकता है। आउटलाइन के पास बॉल थे, फिलहाल रेफरी को विशेष कॉर्नर मिला, फिलहाल प्रतीक के पास बॉल, खतरा हो सकता है नियाज अंसारी गेंद के पीछे, लेकिन प्रतीक ने फिर गेंद को अपने कब्जे में लिया, अपने साथी खिलाड़ी तक पहुंचाने की कोशिश की, ग्राउंड में पास करा, लेकिन वहां पर मौजूद रामगढ़ के प्लेयर ने गेंद को आगे बढ़ाया। फिर एक बार रक्षा के पास बॉल, शाबाश गेंद को लेकर लेकिन पैरों से उसका कनेक्शन जो है वो सही नहीं था और गेंद सीधा आउटलाइन के पास। बेहतरीन प्रयास, लेकिन यहाँ पर लखन पासवान ने गलती की और रेफरी ने उसे अपने अंदाजे जो टीम है मोहम्मदाबाद बरेली सिवान तिकरिया नेपाल कुर्रा हरपुर मिर्चा रामगढ़ रक्सहा सोनपा के बेहतरीन मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर विदेशी टीम भी मौजूद है नेपाल की, तो आप एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर हम बात करें टूर्नामेंट की, तो क्षेत्रीय के साथ इंटरनेशनल भी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर नेपाल की टीम आ रही है और आपको अपने खेल से मुतमईन करेगी। फिलहाल दोनों ही टीमें काफी अग्रेसिव मूड में, और मैं दोनों टीमों को बता दूं कि जो कोई भी प्लेयर वो करता है तो है ग्राम प्रधान प्रत्याशी सफारगढ़ की तरफ 200 रुपए का इनाम आया है पर गोल पर, आप जितना गोल कर लें। गेंद फटने का दूसरी कोशिश, 14 नंबर की, लेकिन गेंद हवा में जरूर और गेंद साइड लाइन के पास, कोई खतरा नहीं रखा के ऊपर से खतरा कला। मैच अपने आखिरी मरहले की तरफ चलता हुआ और दोनों इसी जल्दबाजी में किसी भी तरह से सोनू यादव का, जिन्होंने अच्छा प्रयास किया था अपनी टीम की तरफ से, लेकिन खिलाड़ियों का प्रयास असफल रहा, तो एक बार फिर मौका बना है सतेंद्र के पास, और खतरा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा चूके और इसका पाए रामगढ़ के प्लेयर एक बार फिर, लेकिन यहाँ पर गेंद फाउल मिला है। नुकसान कर
के साथ रखता है इस मैच में। गेम अपने आखिरी मरहले पर
और यहाँ पर फुल सी मिसअंडरस्टैंडिंग रेफरी की विसिल। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है लेकिन किक मिला है रक्षा को और इसका कितना फायदा उठाएगी रक्षा के लिए दूर से ही कोशिश रहेगी लेकिन फिलहाल जैसा एक है यह सही लेग के बाहर खतरा पैदा करेंगे तो यकीन भी हो सकता है तो बड़ी बात नहीं है। फिलहाल वक्त भी काफी कम है नियाज अंसारी गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश बेहतरीन डुबली एक को छकाते हुए दूसरे को बचा गया अपने साथी खिलाड़ी यहाँ से टक्कर को पहुंचा यासिक के पास बॉल अपने साथी खिलाड़ी कादिर तक पहुंचाने में कामयाब कादिर के पास बॉल मोइन कादिर आपस में बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ गेंद को शहबाज तक पहुंचाने में कामयाब है। शहबाज ने डुबल किया और क्या ढूंढ रहे अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं कोशिश यही रहेगी किसी भी तरह से एक और गोल करा जाए लेकिन यहाँ पर उनसे गेंद को अपने कब्जे में लेकर सत्येंद्र तिवारी ने आगे बढ़ाने की कोशिश की लेकिन फिलहाल थोड़ा मिलेगा रामगढ़ को लखन पासवान जिन्होंने पहला गोल किया था एक और मौका बनाते हुए लखन पासवान क्या खतरा हो सकता है कि नहीं लेकिन बेहतरीन बचाव वहां पर अमित का और गेंद को सीधा हवा में लहराते हुए सेंटर के ऊपर किया और खतरे को की कोशिश कर रहे हैं टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेटजी रहेगी रामगढ़ की और किस तरीके से अपने टीम को बराबरी पलाने की कोशिश रहेगी वहां के कैप्टन की एक बेहतरीन मौका यहां पर बनता हुआ फिलहाल ऑफ साइड का इशारा कामयाब हुए एक बार फिर सद्दाम के पास बॉल खतरा हो सकता है यहां पर लेकिन उस खतरे का फायदा उनको मिला नहीं और खतरा टला फिलहाल काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं रक्षा और एक बेहतरीन मूवमेंट था किसी भी तरह से गोल हो जाता तो 3-2 की एक और अटक करने की कोशिश छोटे छोटे पास के जरिए गेंद को डी बॉक्स तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं प्रशांत गुप्ता और अपने टीम को एक लीड दिलाने में अपनी भूमिका निभाई है। फिलहाल अफसार के पास बॉल डबल किया बैक पास खेलेंगे और अपने साथी खिलाड़ी प्रत्येक तक पहुंचाने में सफल रहे रक्षा के प्रयास फिलहाल सद्दाम के पास बॉल एक बेहतरीन प्रयास सद्दाम का लेकिन यहां पर थोड़ा सा चूके और ऑफ साइड का इशारा लखन पासवान काफी कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने 100 रुपए का इनाम प्रतियोगिता के लिए दिया है तो काफी एग्रेसिव है हमारे यहाँ के दर्शक भी जैसे आप फिल्म में एग्रेशन दिखाते हैं वो आपके लिए यहाँ पर एग्रेशन दिखाते हैं और आपको मोटिवेट करने के लिए आपको तो अभी भी मोमेंट बनता हुआ सद्दाम गेंद से सद्दुजत करते हुए लेकिन बेहतरीन डिफेंस यहाँ पर अमित का और गेंद को हवा में लहराते हुए आगे बढ़ाया फिलहाल एक बार फिर कादिर ने गेंद को आगे बढ़ाया गेंद को लेकर शहबाज आगे बढ़ रहे हैं कवर की जानेब गेंद को फेंका है और गेंद के पीछे खुद भाग रहे हैं
फिलहाल गेंद उनके कब्जे में और अपने साथ खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं। फिलहाल बैक पास करा कादिर के पास बॉल, कादिर ने गेंद को मोहन ने अपना एंगल चेंज किया और अपने साथ खिलाड़ी तक शाहबाद तक पहुंचाने की कोशिश थी, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत पास बैक खिला बैठे थे। फिलहाल एक मौका यहाँ पे बनता हुआ नियाज के पास, बॉल खतरा हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऑफ साइड का इशारा खिलाड़ी का, लेकिन असफल रहे और मैच अपने आखिरी मरहले तक पहुंचता हुआ। कॉर्नर और इसको रहे कितना फायदा उठाएगी, लेकिन फिलहाल बेहतरीन अंदाज में सेव किया उन्होंने। एक बार फिर काउंटर अटैक यहां पर होता हुआ, लेकिन फिलहाल रेफरी की विसल वहीं पर रुका, कुछ धक्का मुक्की नजर आई और यहां पर फिर मौका मिला है यहाँ पर नरेंद्र पासवान के पास, ये मौका है, खतरा हो सकता है, लेकिन उस खतरे को टाला डिफेंडर रक्सान ने। गेंद को हवा में जो लहराया अपने साथ गिलास तक पहुंचाने की कोशिश, लेकिन साहबाज ने गेंद को रिसीव नहीं किया और गेंद साइडलाइन के बाद। फिलहाल 14 नंबर की जर्सी में रामगढ़ का प्लेयर इनसाइड फुट का इस्तेमाल किया, अपने साथ गिलास तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन गेंद गिरफ्तार नहीं थी। अभी भी मौका है, पर गोल पे 200 रुपए का इनाम ग्राम प्रधान प्रत्याशी इफ्तिखार खान की तरफ से। आप जितना गोल करेंगे आप उतना ही इनाम पाएंगे। एक मौका है आपके पास, अगर आप गोल करते हैं आप अपने टीम को बराबरी कर दिलाएंगे और इनाम भी पाएंगे। ऊंचा शॉट, लेकिन फील्ड के जरिए अपने साथी के लिए दम तक पहुंचाने में कामयाब भी हुए, लेकिन वहां पर अफसार ने गेंद को थोड़ा आगे बढ़ाया, थोड़ा सा अनबैलेंस किया और उनके कब्जे से बॉल को निकाला। नियाज के पास बॉल, गेंद के पीछे नियाज, काफी एक्सपीरियंसफुल खिलाड़ी, खतरा हो सकता है, बेहतरीन चेंज शाहबाज पहुंच रहे गेंद के ऊपर, लेकिन दूर से ही कोशिश, काफी जो पीछे बॉल गई है उसको आप लेके चले हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट पूरे गांव का है। शाहबाज हेड के जरिए नियाज तक पहुंचाने की कोशिश, प्रत्येक जितने भी तारीफ की जाए कम है, मिडफील्डर की भूमिका में अपने टीम के लिए रेल की हड्डी साबित हो रहा है। फिलहाल 13 नंबर की जर्सी में खतरा हो सकता है, यहां पर अगर थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करते तो शायद ये टीम ने गोल में तब्दील कर सकते थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने खुद ही गोल करने की कोशिश की और उसका फायदा उन्हें मिला नहीं। एक बार फिर रामगढ़ की टीम आगे बढ़ने को तैयार, दूसरी कोशिश सद्दाम तक पहुंचाने की कोशिश, लखन पासवान भी आगे आए, लेकिन कादिर ने गेंद को हेड के जरिए आगे बढ़ाया। मैच अपने आखिरी मरहले पर और जो भी टीम गोल करेगी इनामों की झड़ी लग चुकी है। आप बस गोल कीजिए, पर गोल पे 200 रुपए का इनाम। सद्दाम के पास बॉल, गेंद को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर थोड़ी सी धक्का मुक्की नजर आई और किक लेने के लिए तैयार सत्येंद्र तिवारी। चिप किया, लेकिन उस तरीके से उस फायदा उठा रहे थे। 13 नंबर की जर्सी में गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश थी, एक पास नियाज के पास बॉल पहुंचाने की कोशिश थी, लेकिन पैरों से गेंद का कनेक्शन जो है वो अच्छा नहीं रहा और गेंद फिलहाल रामगढ़ के कब्जे में। उपेंद्र तिवारी एक बड़ा नाम अपनी टीम के लिए, लखन तक पहुंचाने की कोशिश, लेकिन गेंद गिरफ्तार कहते
गोलकीपर ने आगे आकर गेंद को कलेक्ट किया और आगे पहुंचाया पॉइंट। फिलहाल कादिर गेंद के पास दूर से ही कोशिश, लंबा शॉट लगाया सीधा गोलकीपर के दस्तानों में, ऊंचा शॉट खेला, हेड के जरिए मोइन ने गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन काबिले तारीफ अमित कुमार बॉल, एक बेहतरीन खिलाड़ी जिसका नाम इस टूर्नामेंट में काफी चर्चा में है। अभी भी मौका हुआ शहबाज के पास, मौका हुआ, खतरा बनता हुआ आरामगढ़ के ऊपर, लेकिन रेफरी के विसिल मैच अपने आखिरी मरहले पर, कुछ ही मिनटों का खेल बचा है और उपेंद्र तिवारी पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं किसी भी तरह से गोल करा जाए। फिलहाल रामगढ़ के पास बॉल, नरेंद्र पासवान एक अच्छा नाम, दूर से ही कोशिश, लेकिन उसका फायदा उन्हें मिला नहीं और गेंद सीधा गोल पोस्ट के ऊपर से। तो हमारे तमाम दर्शक अपनी जगहों से खड़े हो चुके हैं, मैच बहुत सारे मौके हैं, अगर गोल करेंगे तो अपनी टीम को बराबरी पर दिलाएंगे और ग्राम प्रधान प्रत्याशी तखारगान की तरफ से 200 रुपए पर गोल पर लेने का मौका भी है इनके पास। तो चार नंबर की जर्सी में रामगढ़ के डिफेंडर ने हेड के जरिए गेंद को आगे बढ़ाने में उसकी फिलहाल लिया जाए सारी गेंद को रिसीव करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वहां मौजूद डिफेंसर ने गेंद को अपने कब्जे में लेकर अपने साथी खिलाड़ी सत्येंद्र तिवारी तक पहुंचाई। अभी भी सत्येंद्र तिवारी के कब्जे में बॉल, नरेंद्र पासवान दूसरी ही कोशिश होगी, चिप किया, लेकिन यहां का कोई प्लेयर मौजूद नहीं, गेंद को काफी अच्छे अंदाज में गोलकीपर आज इस मैच में 2 गोल करके अपनी टीम को काफी मजबूत स्थिति में ला के खड़ा किया है और चिंका भी कॉर्नर की साइड गेंद को लेकर पहुंचे और अपने साथ खिलाड़ी तक पहुंचाए। फिलहाल अभी भी मौका रक्षा के पास एक गोल करने का, सत्येंद्र दूसरी ही कोशिश, लेकिन गोलकीपर वहां पर तैनात काफी एक्टिव नजर आए। अनिल माफ कीजिएगा पिंटू, रामगढ़ टीम का राइट विंग काफी मजबूत दिख रहा है, यहाँ पर नरेंद्र पासवान का मौका हो सकता है और यहाँ पर कुछ अपील होती हुई नजर आ रही है रेफरी महोदय से। फिलहाल मैं खिलाड़ियों से गुजारिश करूँ कि आप लोग खेल का खेल की भावना का परिचय दें, आप एक खिलाड़ी हैं और एक खिलाड़ी मैं जानता हूँ इस तरह की हरकतें नहीं करता, रेफरी का बॉल सही कहा था, हर मोमेंट देखा जाता है, सही बात है। किक करने के लिए तैयार, हेड के जरिए कोशिश रहेगी। फिलहाल 17 नंबर के पास बॉल, एक बार फिर गेंद हवा में, लेकिन मोइन ने हेड के जरिए गेंद को आगे बढ़ाया। दोनों टीम के खिलाड़ी आपस में जद्दोजहद करते हुए एक बार फिर किक करने के लिए तैयार, रामगढ़ का प्लेयर आखिरी मरहले पर गेंद, मौका हो सकता है यहां पर, लेकिन कोई प्लेयर मौजूद नहीं, काफी अटैकिंग नजर आ रही है रामगढ़ की टीम, किसी भी तरह से 2 गोल करके बराबरी पर आना चाहती है। फिलहाल मैच अपने आखिरी मरहले पर और यहां पर रेफरी की लास्ट विसिल और मैच 3-1 से रख पासवान, सराज खान, नियाज प्रतीक गुप्ता, ये चार